अल्हम्दुलिल्लाह यू नो मैंने ये गलत काम किया लेकिन मैं अडिक्ट नहीं हुई, मतलब मैं मुझे उसका चस्का नहीं लग गया। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम ये बात आगे फैलाते हैं, आज अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये गलत काम किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चस्का नहीं लगा, तो ये पूरे मजमे में शायद 10% होगा जिसे चस्का नहीं लगेगा, लेकिन मेरी इस बात से 90% की तो प्रॉब्लम शुरू हो गई ना, क्योंकि 90% भी ये सोचेगा कि यार मैं ये करती हूँ देखती हूँ मुझे चस्का लगता है कि नहीं लगता है। क्यों? हर इंसान उतना मजबूत नहीं होता। लेकिन हम कब मजबूत होते हैं? हमारे इल्म से, हमारी नमाज से, हमारे जिक्र से मजबूत होते हैं। जितना हम तिलावत करेंगे कुरान का, तस्बीहों का, हम मजबूत होंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। बट अगर इंसान वो कुछ नहीं कर रहा है तो शैतान तो आप पे हावी होगा ना, हमें हमारी जंग तो शैतान से है। जब आज नमाज इतनी बड़ी चीज है, आज इबलीस से अल्लाह की जंग क्यों है? सिर्फ एक सजदे पे, ना उसने कुफ्र किया, ना उसने शिर्क किया, ना उसने जिना की, ना उसने यू नो कोई ऐसी चीज की। आज क्यों है? सिर्फ एक सजदे पे। क्यों? तकब्बुर। जब अगर वो सजदा कर देता सजदे से, प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि इबलीस को, ये शैतान को ये प्रॉब्लम थी कि मैं एक इंसान के आगे क्यों सर झुकाऊं? बात सर झुकाने की नहीं थी, बात थी अल्लाह के अमर की, ना ही सर झुकाने की, जो लोग भूल जाते हैं। तो आज भी ऐसे हमारे में बहुत चीजें होती है, हमें एक ही चीज याद रखनी है कि नमाज बहुत जरूरी है। जब आज हम मुहर्रम की बात करते हैं, लोग मुहर्रम के बहुत सारे